चर्चा करने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त समय हमारे पास, पर्याप्त समय है, लाइट है और हमारे अतिथि भी बिल्कुल चल के आए, दिक्कत नहीं है और डरने की भी जरूरत नहीं है। बरसात होगी तो वाटर प्रूफ भी हमारे अतिथियों के ऊपर चिंता ना करें और इस वाटर प्रूफ लगवा देंगे पहलवान के ऊपर। और जनरेटर भी है, लाइट भी चली गई तो आवाज आते रहेगी। बहुत शानदार कुश्ती कुश्ती का प्रदर्शन पहलवानों के द्वारा हमारे निर्णायक पहलवानों को संदेश देते हुए बीच गोदी मिलाए और ये कुश्ती का तीसरा और शानदार राउंड के बीच मैदान में, यह मैदान दर्शकों से खचा खच भरा हुआ और पहलवान भी पूरे उत्साह से, पब्लिक भी जमकर बैठी हुई है और अतिथि भी जमकर बैठे हुए, पहलवान भी जमकर चटपट कर रहे हैं और जमकर खेल रहे हैं। पहलवान गोदी में पहुंचे, सबसे सम्मानी हमारे अतिथि गांव से निवेदन है, सबसे खुशी की बात है अन्य प्रांत के लोग, अन्य प्रांत के पहलवान भी हमारे आए हैं और पास के जिले के भी पहलवान यहाँ उतरे हुए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। झांसी, बुरहानपुर, औरंगाबाद, इंदौर, लखीमपुर, बैतूल, हरदा, सभी जगह के लगभग पहलवान आ चुके हैं। हमारे पूर्व सरपंच कानिया से अस्कुमार प्रत्येकी जी भी बैठे हुए हैं, आपका भी आपके बंधन में स्वागत है। पहलवान गोदी में जाए, पहलवान गोदे के अंदर लड़े, गोदे के अंदर लड़े, बाहर ना जाए, गोदे के अंदर लड़े। हम भैया पब्लिक की ओर से बोल रहे हैं, आप ना बोले, उनको बीच में बुला रहे, इतना बड़ा गोदा है, साइड में आप खेलोगे वही तो डिसीजन नहीं दिया जाएगा। झांसी के और समय समाप्त, पहलवान गले गए, दो मिनट की कुश्ती लेकिन जोश, एक सेकंड का जी छोड़ दे समय, दो मिनट रुपेश माता मुकाशा राम सागर दो पहलवानों के बीच में दंगल का शानदार प्रदर्शन दोनों पहलवानों के बीच हो रहा है। पहलवान आयोजक कमेटी ने बोला 15x15 का बनाया है, हर जगह 12x12 का बनता है और बाहर कुश्ती हो चुकी है।